अमूमन हम में से दो तरह के लोग हैं, ऑल्दो तीन तरह के हैं, बट मैं सिर्फ दो गुणों की इस समय बात कर रहा हूँ, रजस और सत्व, या सत्व में थोड़ा सा तमस गुण, दो तरह के लोग हैं आमतौर पे। अगर आपकी पर्सनालिटी रजस जैसी ज़्यादा है, एक्शन ओरिएंटेशन ज़्यादा है, और ये ख्याल आपको बार बार लेके उड़ जाते हैं थॉट्स, अगर रजस आपके अंदर भीतर, इफ़ यू आइडेंटिफाई मोर रजस इन यू, देन द बेस्ट मेथड टू डू दिस इज आपके जीवन में आपके अलावा एक बड़ा फोकस, एक बड़ा विजन पकड़ लो। इट कुड बी एनीथिंग जो तुम्हें भाए, जो तुम्हारे हृदय को छुए, और जीवन की ऊर्जा उस एक विजन, उस एक काम पे लगाना शुरू कर दो। वट विल दिस डू? दिस विल हेल्प यू टू डेवलप समथिंग कॉल्ड एकाग्रता, वन पॉइंटेडनेस। इसको ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा समझ लेते कि मेरे जीवन का उद्देश्य इस समय सिर्फ जगत कल्याण है। इसको ऐसा समझ लेते हैं, एक ही चीज, मेरे जीवन का एक उद्देश्य जगत कल्याण। और जगत कल्याण से मेरा मतलब हुआ, जगत एक ही तरह से कल्याण हो सकता है जगत का, जब ये जगत जागने लगे, उस जागने में इस जगत का कल्याण होगा, राइट? सो लेट्स से मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य जगत कल्याण। अब अगर ये सोते जागते मेरे जीवन का एक ही फोकस रहा, ऑफकोर्स ये थॉट्स बिल्ड होंगे इसके अराउंड भी, बट ये एक फोकस है। अब मेरे थॉट्स मुझे 50,000 जगह लेके नहीं जाएंगे, मेरे थॉट्स को मैंने, जो किसी भी डायमेंशन में जाते थे, मैंने उनको एकत्रित करके अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह लगाना शुरू किया, राइट? एज एन एक्टिविटी, एज अ मूवमेंट, मैंने एक तरफ इसको लगाना शुरू किया। जब मैं जीवन की ऊर्जा एक तरफ लगाने लगता हूँ योगेश्वर, तो मेरे थॉट्स की ऊर्जा भी एक ही तरफ लगने लगती है। कुछ समय के बाद तुम ऐसा अनुभव करोगे, हाँ, कि तुम्हारे विचार सिर्फ उस एक विषय के बारे में चलते हैं। दिस वन थिंग दैट यू कीप थिंकिंग अबाउट, विच इज अ वेरी गुड थिंग देन, क्योंकि तुमने अपने थॉट्स को एक चैनल दे दिया, एक डायरेक्शन दे दी। ये तुम्हारे भीतर, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कुछ महीनों या कुछ वर्षों में, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंसिटी, तुम्हारे भीतर एक कला डेवलप हो जाएगी, जिस कला को बोलते हैं एकाग्रता, सिंगल पॉइंटेडनेस। ये कैपेसिटी होगी अब तुम्हारे पास कि तुम किसी भी एक विषय पे अपनी थॉट को केंद्रित कर सकते हो बिना हिले, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन ऑल अबाउट, इफ यू सी। ये पावर ऑफ होल्डिंग योर अटेंशन तो बहुत बड़ी भूमि है ध्यान की। हम में से बहुत लोगों की ये भूमि नहीं डेवलप हो पाती। सो डेवलप दिस भूमि। अगर तुम्हारे भीतर रजस का तत्व ज्यादा है, एक्शन ओरिएंटेशन ज्यादा है, पहला। दूसरा, सेकंड टाइप, अगर तुम्हारे भीतर सत्व या तमस का तत्व ज्यादा है, तो जो प्रक्रिया तुम्हें हेल्प करेगी वो है जो बुद्ध ने प्रक्रिया दी थी, विपश्यना ननापान सती। तो वो प्रक्रिया तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, जहां तुम सतत बैठ के अपने विचारों को वॉच करते हो, तुम सिर्फ बैठ के अपनी बॉडी की सेंसेशंस को वॉच करते हो, तुम बैठ के अपने श्वासों को वॉच करते हो। अगेन, इस वॉचिंग से वही चीज हो रही है जो रजस से हो रही थी, इस वॉचिंग से भी तुम एकाग्रता डेवलप कर रहे हो। सी, फॉर्मूला सेम है दोनों तरफ, तुम इधर से जाओ या उधर से जाओ, तुम अपने भीतर के गुण धर्म को पहचान के इस प्रवाह में उतरने की कोशिश करो। अगर सत्व और तमस का गुण तुम्हारे भीतर ज्यादा है, तो इस तरफ से जाने की चेष्टा करना, वॉचिंग द थॉट। बट जैसे तुमने बोला अपने प्रश्न में कि जब मैं वॉच करता हूँ अपने थॉट्स को, अपने इनर मूवमेंट को, तो थोड़ा टाइम वो काम करता है, फिर मैं बोर हो जाता हूँ, फिर वो ले जाते हैं मुझे साथ में। मतलब इसका ये हुआ कि जो तुम्हारे भीतर का रजस है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। आर यू फॉलोइंग मी? मोस्ट ऑफ अस हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ रजस एंड तमस एंड सत्व, बोथ, इनका कॉम्बिनेशन है हमारे भीतर। तो आज के युग में ज्यादातर लोगों के साथ जो काम करता है वो ये कि आप कुछ समय ये करो और कुछ समय ये करो, या दूसरी तरह से बोलूं, आप एक जीवन का एक बड़ा एक विजन, जो मैंने पहले बात बोली, रज की तरह आप उस विजन पे, उस एक ऑब्जेक्टिव पे अपना जीवन केंद्रित करो अपने रजस को यूज करके, और फिर प्रतिदिन तुम विपश्यना की या वॉचिंग की एक प्रैक्टिस भी धारण कर लो। डू यू फॉलो? सो मेरे जीवन की सारी चेतना एक कर्म में लगी है, और रोज मेरी एक प्रैक्टिस है
जिस प्रैक्टिस में मैं अपने सत्व और अपनी तमस का उपयोग करके भी ये एकाग्रता डेवलप कर रहा हूँ, बाय वॉचिंग माई बॉडी मूवमेंट्स, बाय वॉचिंग माई ब्रेथ, बाय वॉचिंग माई सेंसेशंस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही चीज़ पे काम कर रहा है, और वो एक चीज़ है योर कैपेसिटी टू होल्ड योर अटेंशन. इफ यू फॉलो दीज बोथ पाथ्स टूगेदर, अगेन ओवरऑल वन पॉइंटेडनेस इन योर कृत्य इन योर कर्म, एंड इनवर्डली देयर इज अ रेगुलर प्रैक्टिस वेयर यू आर ऑल्सो गिविंग फूड और अ डायरेक्शन टू योर तमस एंड टू योर सत्व. इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल वर्क एक्सट्रीमली ब्यूटिफुली. आज के युग में ये सबसे सहज कॉम्बिनेशन होगा किसी के लिए भी काम करना.